मौजूद हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी, जानते हैं ये अपील करने आए हैं घोसी लोकसभा में अपने प्रत्याशी के लिए और सनातन धर्म के रक्षा के लिए ये अपील करने यहाँ पहुँचे हैं मऊ घोसी में, उनसे जानते हैं क्या है ये। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमानगढ़ी से मैं महंत राजूदास घोसी लोकसभा के सभी मतदाता बंधुओं से सिर्फ एक अपील करने आया हूँ। बहुत हो चुका है, बरगनाने वाले लोग बहुत आपको मिलेंगे। किसी ने ठाकुर को बोला, किसी ने ब्राह्मण को ये बोला, किसी ने भला जाति को ये बोला, ऐसे काल नियमों के चक्कर में मत आना। आने वाले 1 तारीख को छड़ी का बटन दबाकर और भगवान श्री राम के चरण में कमल का पुष्प समर्पित करके भारत का उत्थान हो, भारत विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, भारत की विकास की पहिया की गति रुके ना, इसके नाते आप अपने घरों से निकलकर मतदान करें, छड़ी का बटन दबाएं और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और भगवान श्री राम के चरण में कमल का पुष्प चढ़ाकर मोदी जी को साधुवाद दें, धन्यवाद दें कि विदेशी आक्रांताओं ने सनातन को जो मिटाने की जो महापाप किया था, उस महापाप को मोदी जी ने कोर्ट के माध्यम से भूल दिया। अब देश न्याय संगत के साथ, सनातन के साथ, संस्कृति के साथ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के साथ यह देश आगे बढ़ रही है। इसके नाते भारत के विकास में, भारत के डेवलपमेंट में, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, रोजी के लिए, रोजगार के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये क्षेत्र का कैसे विकास हो, यह क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, सब पैसा सिफई ना चला जाए, सब पैसा सिर्फ एक जिले में ना लग जाए, सारे लाभ सिर्फ एक व्यक्ति को ना मिले, जनता जनार्दन को मिले, इसके नाते 5 वर्ष में ऐसा उत्सव आता है, या उत्सव नहीं, धर्म अधर्म की लड़ाई है, महायज्ञ चल रहा है और इस महायज्ञ में अपने वोट रूपी आहुति डालकर और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, छड़ी का बटन दबाएं, भगवान राम के चरण में कमल पुष्प समर्पित करें। इसके नाते घोसी के मतदाता बंधुओं से, यह साधु आज के बीच में ब्राह्मण बंधुओं से, ठाकुर बंधुओं से, सभी मतदाता बंधुओं से अपील करने यह दास आया है आपके बीचों में, क्योंकि जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो मोदी जी के हाथ मजबूत होगा और आपको न्याय मिलेगा। इसके नाते छड़ी का बटन दबाकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। अभी राम गोपाल जी का एक बयान है राम मंदिर को लेकर, दुर्भाग्यपूर्ण राम गोपाल जी का बयान है। राम गोपाल जी ही नहीं, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे तेजस्वी यादव जी हों, चाहे माननीय अखिलेश उद्दीन जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, जो दुनिया का सबसे ईमानदार नेता है, जो पैरोल पर बाहर आया है, इतना ईमानदार है कि सारे नेता उनके जेल में हैं, खुद पैरोल पर बाहर आए हैं, इतने ईमानदार नेता हैं, चाहे माननीय राहुल बाबा हो, सबके सिर्फ एक ही विचार है, एक ही भाव है, क्या सनातन कोरोना है, सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर वहां नहीं बना है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, हाई प्रोफाइल कमेटी बनाकर राम मंदिर तोड़ देना चाहिए, फैसला प्रण देना चाहिए, ऐसे ऐसे शब्दों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, राम गोपाल यादव जी के अंदर अगर दम है, अगर वो अपने पिताजी के ही बेटे हैं तो कह दे इस्लाम बेकार है, कह दें मस्जिद बेकार है, नहीं बोल सकते, दम नहीं है, गला कट जाएगा। सिर्फ सनातन को ही हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सहिष्णु हैं, हमारा विशाल हृदय है, सबको माफ करते हैं, सबको वक्त देते हैं, सबको समय देते हैं। इसके नाते राम गोपाल जी ही नहीं, गमंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं सबका एक ही भाव है, एक ही भाषा है। मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 के पहले ये नेता कहाँ चले गए थे, कोई त्रिकुंड नहीं लगाता था, कुर्ते के ऊपर से जनेऊ नहीं दिखाता था, ये नहीं कहता था कि हम भी कश्मीरी ब्राह्मण हैं। जब कश्मीरी ब्राह्मण मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, तब इनका एक भी भाषा अभाव नहीं आता था। यहाँ पर जब महाराणा प्रताप को अपमान किया गया, तब ये लोग नहीं जवाब सवाल पूछ पाते थे। और आज मैं देखता हूँ यहाँ घोसी में तमाम प्रकार के अफवाहें, अभी आपके पहले कुछ पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि यहाँ ब्राह्मण नाराज हैं, ठाकुर नाराज हैं,
मैं तीन दिन से चल रहा हूँ, ना एक मुझको ठाकुर नाराज मिला, ना एक भी ब्राह्मण नाराज मिला। पता नहीं कैसे कुछ मीडिया बंधु के मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे साथी हैं। ठीक है, तीखे सवाल आप पूछिए, पूछना चाहिए मीडिया बंधुओं को, अधिकार है। आप नहीं पूछोगे तो नेता निरंकुश हो जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप उनसे भी पूछिए जो सनातन को कोरोना कहते हैं, डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, जो राम मंदिर बेकार कहते हैं, जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाते हैं, उनसे आप सवाल नहीं पूछते हो, हमसे ज़रूर सवाल पूछते हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मीडिया बंधुओं से भी अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि भारत डेवलपमेंट की ओर बढ़ चुका है, भारत विकास की ओर बढ़ चुका है। ये अपवादों के बाजार में मत जाइए, ऐसे कालनेमी और क्रिकेट जैसे रंग बदलने वाले लोग मिलेंगे बरगलाने के लिए। मैं घोसी के मतदाता बंधुओं से अपील करता हूँ, विशेषतर ब्राह्मण बंधुओं से, विशेष तौर सनातन की धर्म सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ठाकुर बंधुओं से अपील करता हूँ कि अफवाहों में मत जाइए और आप राष्ट्र के साथ जुड़िए, सनातन के साथ जुड़िए, संस्कृति के साथ जुड़िए, हिंदू के साथ जुड़िए, हिंदुत्व के साथ जुड़िए और विकास के पहिया को विश्व पटल पर मोदी जी जैसे स्थापित कर रहे हैं उनके हाथों को मजबूत करने के लिए कमेंट का बटन दबाकर, छड़ी का बटन दबाकर और अरविंद राजभर जी को चुनाव जिताइए। अपील करने आपके बीच में आया।